नमस्कार, आइए आज आपको विश्व प्रसिद्ध चांद बावड़ी की सैर कराते हैं। नहीं, ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये जयपुर मुंबई एक्सप्रेस वे है और ये निसंदेह बहुत शानदार बनाया गया है। अगर आपको कभी मौका मिले तो एक बार इस पर राइड जरूर कीजिएगा, एक अलग तरह का रोमांच आपको प्राप्त होगा। तो आइए जानते हैं चांद बावड़ी के बारे में। आपको एक चीज़ बता दें कि इस बावड़ी के बारे में जो मुख्य मुख्य बातें हैं हम केवल वही बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि अगर मैं इस बावड़ी के बारे में पूरा वर्णन करने लगा तो 2 घंटे का वीडियो भी इसके लिए कम पड़ जाए। इसके अलावा आपको इस बावड़ी के बारे में एक ऐसी चीज़ भी मैं बताऊंगा जो शायद आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चांद बावड़ी राजस्थान में जयपुर के पास आभानेरी गाँव में स्थित है। आभानेरी का मतलब है आभा नगरी। आभा नगरी मतलब चमकने वाला नगर, जो आज एक कस्बे का रूप ले चुका है। और आभा नगरी धीरे धीरे आभानेरी बन गया। हाईवे, जयपुर हाईवे से करीब 10 या 12 किलोमीटर चलने के बाद आभानेरी पड़ता है। तो जब तक हम आभानेरी पहुंचते हैं तब तक आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। इसके बारे में एक बड़ी प्रसिद्ध किंवदंती है, यहाँ के लोग कहते हैं कि इसे, इस बावड़ी जो चांद बावड़ी है, इसको रातों रात भूतों ने तैयार कर दिया। अब ये कहानी कहाँ से आई, किसने कही, किसने बताई, ये पता नहीं, किसी को पता नहीं है, बस एक कहानी चली आ रही है। और बावड़ी, जहाँ तक बावड़ी का सवाल है, कम से कम मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जब मैंने इस बावड़ी को देखा तो मुझे यही लगा कि जिस तरह की ये कलात्मकता इसमें यूज की गई है और जितनी शानदार ये बनाई गई है वो रातों रात तो नहीं बनाया जा सकता, और कम से कम भूतों के तो बस की बिल्कुल बात नहीं है, वो नहीं बना सकते। बहरहाल आप इस शानदार कलाकृति का आनंद लीजिए। बावड़ी के पास जाने से पहले आपको 25 रुपये का एक व्यक्ति के हिसाब से टिकट लेना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार द्वारा संरक्षित है और पुरातत्व विभाग के अधीन है, तो शायद इसके रखरखाव के लिए यह चार्ज लिया जाता होगा। मुख्य द्वार पर ही इसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी गई है, ये शिलालेख लगाए गए हैं वहाँ ताकि आपको इससे सबसे ज़्यादा जानकारी मिल जाए। भारत की सर्वाधिक गहरी बावड़ी का निर्माण निकुंभ वंश के राजा चंदा या चंद्रा ने 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच करवाया था। 1200 से 1300 वर्ष प्राचीन यह संरचना ताजमहल, खजुराहो के मंदिर और चोल मंदिरों से भी पुरानी है। तो आइए अब आपको इस अद्भुत और आकर्षक बावड़ी से रूबरू कराते हैं। ये रही बावड़ी। 19.5 मीटर गहरी इस बावड़ी की 3 दीवारों पर ज्यामितीय आकार देते हुए सीढ़ियां निर्मित हैं। आप इन सीढ़ियों पर सीधे न चढ़ते हुए एक तरफ से चलते हैं। हालांकि ये भी रहस्य है कि यह त्रिकोणीय रचना केवल सौंदर्य या कलात्मकता की दृष्टि से कराई गई थी या इसका कोई मतलब था, यह किसी को भी नहीं पता है। अनुमान कोई कुछ भी लगा ले, ये सीढ़ियाँ किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। यदि आप इनमें नीचे जाते हैं तो यह तय है कि इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर नहीं आ सकते। ये जो चौथी दीवार है इसमें कई तलों के स्तंभ युक्त गलियारे हैं। ये जो 3 दरवाजे आप देख रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि ये 3 सुरंगें हैं, जिसमें एक सुरंग बावड़ी के नीचे अंत तक जाती है और दूसरी सुरंग अंदर ही अंदर बावड़ी के बगल में बने हर्षद माता के मंदिर तक जाती है। हर्षद माता के मंदिर के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तीसरी सुरंग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से 17 किलोमीटर दूर भांडा रेस गाँव में जाकर खुलती है। एक कहानी ये भी है कि एक बार यहाँ बारात आकर रुकी थी और ये बाराती इस सुरंग में चले गए। इसके बाद से वो वहाँ से एक भी बाराती लौटा नहीं। अब कितनी सच्चाई ये तो पता नहीं चला, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से चूंकि इस बावड़ी को बंद कर दिया गया है और इसमें प्रवेश निषेध कर दिया गया है, मतलब किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। बावड़ी के अंदर 2 बुर्ज सरीखीय संरचनाएँ हैं जो बावड़ी की ओर मुख किए हुए हैं। इनमें से एक पर भगवान गणेश और दूसरे पर महिषासुर मर्दिनी की भव्य मूर्ति विद्यमान है। आप इतनी गहरी बावड़ी से लोग जल लेने जाते थे। हालांकि यहाँ रहट से भी ऊपर जल खींचने के लिए स्तंभ बने हैं जो इतनी खूबसूरती से बनाए गए हैं कि इस पूरी संरचना के अंदर विलीन हो गए हैं। चांद बावड़ी की 13 तलों के तह तक करीब 3500 से अधिक सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, मतलब आमतौर पर 3500 सीढ़ियाँ बताई जा रही हैं जो बनाई गई हैं। और इस बावड़ी के बगल में ही, अभी मैंने कहा था कि हर्षद माता के मंदिर के बारे में बताऊँगा, तो इस बावड़ी के बगल हर्षद माता का मंदिर है। यह मंदिर भी बावड़ी के साथ ही बनाया गया है क्योंकि उतना ही पुराना है। वैसे तो यह छोटा सा मंदिर है लेकिन इसकी दीवारों पर जो नक्काशी की गई है वो अद्भुत है, अप्रतिम है और अकल्पनीय है। आभानेरी में, मित्रों, मैंने आपसे पहले कहा था कि एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसे शायद किसी ने आपको नहीं बताया होगा। आभानेरी में दशहरे से 10 दिन पहले महोत्सव आयोजित किया जाता है और तब यह बावड़ी पर्यटकों के लिए 3 दिन खुली रहती है। यानी कि अगर आप बावड़ी के अंदर जाकर कुछ जानना चाहते हैं तो एक बार दशहरे से पहले यहाँ जरूर जाइएगा। और अगर आप कला प्रेमी हैं, आप पुरानी चीज़ों, धरोहरों को देखने के शौकीन हैं, तो निश्चित रूप से इस बावड़ी को ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये कलात्मकता का बेजोड़ नमूना है।
तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।